Good morning, 10th class. How are you people doing? I hope you have started your studies again after the test, after a break of a week. So, coming back to our studies, we are on again. Yesterday, we have finished our geography chapter, agriculture, and now we will start with. Another book in our course that is Economics. We have already done two chapters Development and Sectors, and now we will start a very important chapter that is Money and Credit. Actually, these are all practical things that you are going to read in this chapter Money, how do we take credit, importance of credit, and everything that we are going to read in this chapter. सो लेट्स बिगिन द लेसन मनी एंड क्रेडिट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टेंथ क्लास के बच्चे हो मनी की इम्पोर्टेंस को समझते हो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनी आई नीड नॉट टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट मनी इज इन आर लाइफ एंड इट्स वैल्यू एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी यूज ऑफ मनी Spans a very large part of our everyday life. Out of 150 activities in a day involve money. Buying or selling or giving or taking, this involves money, use of money. Look around you and you would easily be able to identify several transactions. Transaction means buying and selling involving money in any single day. You yourself are also engaged in these transactions. You go to the market, you buy things, you see shopkeepers selling things. This all involves money. Can you make a list of these? Try to make how much transactions do you make in a day. In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. Aap market the market, se saman lete ho, goods the goods, and in return, you give money.

आपकी इलनेस को ट्रीट करते हैं दैट इज़ अ सर्विस दैट यू आर बाइंग यू आर गिविंग मनी एंड बाइंग सर्विस देन कुरियर ऑनलाइन बाइंग चल रही है आजकल बहुत तो देर यू आर मेकिंग है ना कई बार आता है शिपिंग फ्री और कई बार शिपिंग के चार्ज होते हैं तो दैट इज़ अ सर्विस दैट यू आर बाइंग और बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हैं वी एज टीचर्स वी आर टीचिंग यू एंड इन रिटर्न यू आर पेइंग फीस

बट विथ अ प्रोमिस टू बा पे मनी लेटर दिस इज क्रेडिट आप अभी सामान खरीद रहे हो आप अभी सर्विस ले रहे हो बट यू आर मेकिंग अ प्रोमिस टू पे मनी लेटर दैट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ मनी हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शंस आर मेड इन मनी चिल्ड्रन ये क्वेश्चन यहीं अंडरलाइन कर लो कभी सोचा है वाई मनी

इन योर हैंड यू कैन ईजीली बाय एनी थिंग फ्रॉम द मार्केट कितना आसान होता है ना गोइंग टू द मार्केट बाइंग एनी थिंग एंड गिविंग द मनी आपने शॉपकीपर को बोला आई वॉन्ट दिस एंड इन रिटर्न यू गिव मनी इट बिकम्स वेरी इजी द यूज ऑफ मनी दस एवरी वन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वॉन्ट तो आप कहोगे मैम यही तो होता है वी गो टू द मार्केट गेट थिंग्स एंड इन रिटर्न वी गेव मनी ट्रांजेक्शन इज वेरी सिंपल ऐसा ही तो होता है इसमें और क्या है क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग तो मनी से ही होता है टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफेक्चर चलो हम एक एग्जाम्पल भी समझते हैं ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई वीट एक शू मेकर है मैन्युफेक्चर है उसे अपने शूज सेल करने हैं एंड ही वॉन्ट्स टू बाय वीट

लेकिन अब हम एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं ये सिचुएशन तो बहुत ईजी थी आज के टाइम की सिचुएशन थी गिव मनी एंड बाय थिंग्स वॉट्स द प्रॉब्लम बट नाउ इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी अभी तक तो मनी था तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ईजी थे अगर ये मनी नहीं होता वो जो वीट और शू का ट्रांजेक्शन हुआ ना उसमें से उस मनी को गायब कर दो अब क्या रह गया मनी गया अब क्या गए दो चीज शू एंड व्हीट अ शू मैन्युफैक्चरर वांट्स टू बाय वीट देर इज नो मनी इन बिटवीन अब सिचुएशन क्या होगी ही वुड हैव टू लुक फॉर अ व्हीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वॉन्ट्स टू सेल वीट बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज तो प्रॉब्लम क्या हुई दिस शू मैन्युफैक्चर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट वीट वो क्या करेगा पहले ऐसे फार्मर को ढूंढेगा हु वॉन्ट्स टू सेल हिज वीट और सेल हिज वीट ही नहीं है अब अगर ये शू मैन्युफैक्चर उससे वीट लेगा तो बदले में क्या देगा मनी तो है नहीं इसके पास क्या है शूज तो फार्मर को शूज नहीं चाहिए तो वो इसको अपना वीत नहीं देगा

वॉन्ट्स दोनों को एक दूसरे की चीजों की वॉन्ट है तब जाकर दे विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स तो ये डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स तब आता है वेन देर इज नो मनी इन बिटवीन तो अब आपको समझ में आया वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी दिस इज टू अवॉइड दिस डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वॉट अ पर्सन और क्या है यह डबल कोंस ऑफ वॉन्ट्स वॉट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर विशेष टू बाय दिस इज डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स और ये कहा होता था बच्चों बहुत पहले अर्लियर टाइम्स एंशियंट टाइम्स वेन देर वॉज नो मनी और यह सिस्टम क्या कहलाता है बाटर सिस्टम सुना है ना आप लोगों ने बाटर सिस्टम गिव एन टेक बाटर सिस्टम वे गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी सो दिस वॉज बाटर सिस्टम ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स मच अर्लियर एंशियन टाइम्स वेन देर वॉज नो मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्स इज एन असेंशियल फीचर ऑफ बाटर सिस्टम एक जो एक को खरीदना है वही दूसरे को बेचना है और दोनों को एक दूसरे की गुड्स की जरूरत है दिस सिचुएशन इज डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स और ये कब एग्जिस्ट करती है इन बाटर सिस्टम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या इन्वेंट किया मनी ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए इन कॉन्ट्रास्ट ये तो हुआ बाटर सिस्टम वाली इकोनॉमी को इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनमी वे मनी इज इन यूज लेकिन जहां पर मनी है वहाँ नो इशू मनी इज प्रोवाइडिंग द क्रूशल इंटरमीडिएट स्टेप वो है ना ये है इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल को ऑफ वॉन्ट्स ये खत्म हो जाती है वहाँ पर इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर विल बाय हिज शूज एंड द सेम टाइम सेल हिम विथ अब उस शू मैन्युफैक्चरर को उस फार्मर की जरूरत नहीं है जो जिससे वो वीट ले और बदले में शू दे नाउ ही कैन बाय वीट फ्रॉम एनी वन वाई बिकॉज ही हैड सोल्ड हिज शूज फॉर मनी एंड नाउ ही कैन बाय दैट वीट विद दिस मनी ऑल ही हैज टू डू इज टू फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज दैट बायर विल गिव हिम मनी and with that money he will buy wheat once he has exchanged his shoes for money he can purchase wheat or any other commodity in the market since money acts as an intermediate in the exchange process it is also called as medium of exchange so this is the reason why we use money in exchange of goods yeah why we use money to buy goods वो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है मनी जो कि बाटर सिस्टम को और डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वॉन्ट्स को ख़त्म करता है सो चिल्ड्रेन आई होप यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी है ना एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी टिल देन कीप रीडिंग